मोतिहारी के सुगौली में बूढ़ी गंडक नदी के कहर ने सुगौली समेत ग्रामीण इलाकों के आधा दर्जन पंचायतों को तबाह कर दिया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों की सरकारी सहायता रस्सी बनी हुई है, रस्सी के सहारे कमर भर पानी पार कर अपने आशियाने पर जाने के लिए विवश हैं। वहीं सिकराहना नदी का तांडव पूर्वी चंपारण में जारी है। ताजा मामला सुगौली के सुकुल पाकर पंचायत के चील झपटी गाँव का है, जहाँ अभी तक सरकारी कोई सहायता राशि नहीं मिली है, जिसके चलते स्थानीय लोगों का रस्सी सहारा बनी हुई है। रस्सी के सहारे लोगों का आना जाना हो रहा है। का नाम योगेंद्र साहब, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, वार्ड नंबर 2। कौन सर? कौन है? अच्छा, आपको सरकार की तरफ से कुछ रहा तो? कुछ नहीं मिला, हम लोग रस्सी बांध कर अपने किसी सहारे यहाँ जाते हैं। यानी कि इसी के सहारे आप लोग एक रास्ते से वहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं? हाँ। सरकार से लोग आया, सब लोग देखा, लेकिन कुछ आज तक अभी नहीं देखा। 5 रोज पहले से पानी आ रहा है, हम लोग चारों तरफ पानी घेरा हुआ है, घर में पानी घुसा हुआ है, लेकिन कोई सरकार कोई देखने को नहीं कर रहा है। जिले में बाढ़ से गांव की तबाही की रोज नई गाथा लिखी जा रही है। बाढ़ से घिरे गांव से निकालने के लिए ग्रामीणों ने एक नया तरीका इजाद किया है। पानी के बीचों बीच रस्सी बांध दी है और अब इसी रस्सी के सहारे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक व्यवस्था कोई देखने तक नहीं पहुँचा है। सबने इन लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। आपका नाम? संजय शाह। आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं के निवासी। सरकार की तरफ से कुछ सहायता हो? कोई सहायता नहीं है, ना कोई सरकार आया है, ना कोई देखने आया, ना सुनने आया। हम लोग रस्सी से आते हैं, हम लोग जाते हैं, बस कोई चीज़ नहीं मिला। यहाँ तो घर में सब पानी डूब गया है, और कोई इमरजेंसी हो जाए इसमें आने का कोई सुविधा नहीं है। आदमी मर जाएगा उधर, कोई नहीं सुविधा मिला।